subscribe to his channel, follow me on Instagram and send me a DM over there and you get a chance to win an iPhone, a Samsung phone or even a Casio watch. Yes, this is our first ever giveaway and we're giving it away to one of you lucky subscribers. So do subscribe and follow me on Instagram to win the iPhone. हाय गाइस, वेलकम टू आशीष मसीह कार्स एंड आप मेरे साथ में देख रहे हैं अभी फिलहाल हैरियर कैमो, यानी कि एक स्पेशल एडिशन आया था इसका। जैसे कि डार्क एडिशन आया था ऐसे ही कैमो कलर आ गया था, कैमोफ्लाज कलर आ गया था। अब देखो ये जो कलर है वो स्पेसिफिकली XT, XT प्लस, XZ एंड XZ प्लस ट्रिम्स के लिए ही अवेलेबल है। ये सारी ट्रिम्स में आपको ऑफर नहीं किया जाएगा। तो वो लोग जो इस कलर के दीवाने हैं और सफारी में आपने ये कलर देखा है, सफारी में डिफेंस के लिए जब सफारी गई थी एक्चुअली स्टॉर्म, तब आपने ये कलर में आपने उसको देखा है। तो ऐसे ही कलर के साथ में जो है वो टाटा हैरियर आई थी और डार्क एडिशन आई थी, कुछ दो वेरियंट जो है या एडिशन जिनको हम लोग कहेंगे वो आए थे। ऐसा कैमो एडिशन में क्या है कि आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए, हम जो है वो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। फिलहाल आपने चैनल पे अगर पहली बार हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइज, और कोई भी आपको क्वेरी है आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम लोग कोशिश करेंगे आपकी क्वेरी जो है वो सॉल्व हो जाए। एनीवे, लेट्स जस्ट कम टू द फ्रंट प्रोफाइल और यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी की फॉब दिखा देता हूँ, जो कि एक रेगुलर की फॉब है जो आप हैरियर के अंदर देखते हैं, जो आप एल्ट्रोज़ के अंदर देखते हैं, जो आप नेक्सॉन के अंदर देखते हैं एंड नई नई आई सफारी के अंदर भी आपको यही वाली की फॉब ऑफर होती हुई नज़र आएगी। देखो, लॉक, अनलॉक, फॉलो मी होम लैम्प एंड बूट एक्सेस के लिए बटन। तो सबसे पहले तो चलते हैं फ्रंट प्रोफाइल पे एंड ज़रा निगाह डालते हैं इसके LED DRL यूनिट पे। देखो, आप इससे पहले केवल एक गाड़ी मुझे याद आ रही है जो वेन्यू आई थी, वो स्प्लिटेबल हेडलाइट यूनिट्स के साथ में आई थी। उसके बाद अगर प्रॉपर SUV की बात करें या फिर 4.2 मीटर से अबव SUVs की बात करें, स्प्लिटेबल हेडलैम्प्स जो है वो इस वाली गाड़ी में ऑफर की गई थी। तो तकरीबन 6 महीने बाद जो है वेन्यू से रिलीज़ हुई थी, लॉन्च की गई थी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो LED DRL यूनिट आपको ऑफर होती हुई नज़र आएगी। नीचे हेडलाइट यूनिट एंड फॉगलाइट यूनिट एक ही रखी गई है, यानी कि एंटिटी एक है, ब्लैक कलर के हाउसिंग के अंदर इन दोनों को ही प्लांट किया गया है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो येल्लो ही बल्ब आपको इस वाले वेरियंट में भी ऑफर होता हुआ नज़र आएगा। हाई बीम का ऑप्शन इधर और डुअल बैरल आपको यहाँ पर देखने को नज़र आएंगे। यहाँ पर भी आप जो है वो अब देखेंगे अटेंशन टू डिटेल कि एक शेर बना हुआ है, लायन बना हुआ है एंड ब्लैकआउट किया गया है इस पूरे पैनल को, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। नीचे भी अगर आप फॉग लैम्प यूनिट देखें तो भी हैलोजन ही है और उसको भी ब्लैकआउट हाउसिंग के अंदर जो है वो इंसर्ट किया गया है। नीचे अगर आप देखेंगे तो डुअल टोन ट्रीटमेंट अलग एंड विंडो डिफ्यूज़र यहाँ पर दिया गया है। बहुत ही बड़ी सी टाटा हैरियर के अंदर जो है वो ग्रिल दी गई है एंड ये हनीकॉम स्ट्रक्चर्स, काइंड ऑफ हनीकॉम स्ट्रक्चर्स एंड पियानो फिनिशिंग के साथ में ऑफ़र होती हुई नज़र आएगी। यहाँ पर जो है वो बड़ा सा एडम दिया गया है, नीचे भी बड़ा सा एडम दिया गया है एंड एक बीच में भी एडम जो है वो यहाँ दिया गया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है करेक्टर लाइंस उस तरफ। साइड प्रोफाइल पे लेके चलता हूँ गाइस, तो कुछ इस तरह की साइड प्रोफाइल यहाँ पर ऑफ़र होती हुई नज़र आएगी। ये गाड़ी बाय द वे लैंड रोवर रेंज रोवर ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी है। देखिए ओमेगा आर्क ऊपर भी लिखा हुआ है, बॉन्ड ऑफ लैंड रोवर पेडिग्री। हैरियर को इस तरीके से जो है वो टाटा प्रमोट करती है। कैमो की बैजिंग आपको यहाँ पर देखने को नज़र आएगी, काफ़ी अच्छी लग रही है। वाइट कलर की जो है वो यहाँ पे बैजिंग दी गई है एंड ये कुछ टायर्स 235/65 रेडियल 17 इंचेस के टायर्स हैं। ये सिंगल टोन ही आपको अलॉय व्हील्स देखने को नज़र आएंगे। फ्रंट में आप जो है वो देखेंगे कि इंडिपेंडेंट विशबोन सस्पेंशन दिए गए हैं एंड यहाँ पर जो है वो प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। नीचे भी क्लैडिंग दी गई है एंड बॉडी कलर्ड आपको यहाँ पे जो है वो डोर हैंडल्स देखने को नज़र आएंगे। यहाँ अगर आप देखें तो ORVM टर्न इंडिकेटर के साथ में आते हैं, कुछ इस तरीके से जो है वो ये जलते हैं एंड ब्लैकआउट किया गया है नीचे वाला पोर्शन, ऊपर कैमोफ्लेज कलर के साथ में एंड कुछ इस तरीके का LED ये जलती हैं। विंडो लाइनिंग पे आप जो है वो क्रोम का टच देखते हुए नज़र आओगे जो पीछे तक जा रहा है एंड यहाँ पर जो है वो हैरियर आपको देखने को नज़र आएगी, लिखा गया हैरियर और बहुत ही बड़ा सा जो है वो आपको विंडो एरिया जो है वो ऑफ़र
यहाँ पर किया गया है। राइट साइड में भी आपको जो है वो फ्यूल लिड दी गई है एंड पीछे के जो है वो सेमी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन दिए गए हैं। हालांकि वो टॉर्शन बीम ही है, यानी कि बीम है स्प्रिंग वाले जो है वो आपको पीछे वाले सस्पेंशन देखने को नज़र आते हैं। पीछे भी जो है वो सेम आपको टायर प्रोफाइल देखने को नज़र आएगी एंड अगर बिल्कुल रियर प्रोफाइल पे चले हैं तो कुछ इस तरीके की LED स्प्लिटेबल टेल लाइट यूनिट ऑफर करती है हैरियर इसमें। एंड यहाँ पे भी आपको जो है वो रेगुलर बल्ब दिया गया है, यहाँ पर LED का यूज़ नहीं किया गया है। पीछे जो है रिवर्स लाइट दी गई है दोनों तरफ ही, हैरियर का लोगो यहाँ पे, दो पार्किंग सेंसर्स अगेन कॉस्ट कटिंग हल्की सी एंड यहाँ पे जो है वो रिफ्लेक्टर यूनिट दिए गए हैं। यहाँ पे डिफॉगर एंड वाइपर का सेट, एक बटन यहाँ पे ताकि आप एक्सेस कर सको इसके बूट को, टाटा का लोगो। एंड ये देख रहे हो आप, हल्का सा पैनल गैप जो है वो इसके अंदर दिया गया है बट ब्लैक आउट है पूरी टेल लाइट यूनिट। एंड इसको यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट बटन दिया गया है, कुछ इस तरीके से रिक्वेस्ट बटन। यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ी सी बूट दी गई है एंड काफ़ी फ्लैट बूट है, ये काफ़ी अमेजिंग चीज़ है। 2 kg के लिए यहाँ पे हुक दिया गया है ताकि आप यहाँ पे कुछ स्टोर कर सके, टांग सके बेसिकली। यहाँ पे इल्यूमिनेशन लाइट, काफ़ी बड़ा सा जो है वो बूट दिया गया है एंड कोई ऐसा फीचर इसके अंदर नहीं है कि 60:40 में स्प्लिट होते वाली हैं ये वाली सीट्स। पार्सल ट्रे ज़रूर जो है वो कुछ इस तरीके की फ्लैट रखी गई है एंड काफ़ी बड़ी सी पार्सल ट्रे यहाँ पर देखेंगे। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे देखने को नज़र आएगी। सो यस, इसके नीचे जो है वो टूल किट आपको देखोगे एंड इसके नीचे थर्मोकोल यूज़ किया गया है इसको रोके रखने के लिए एंड दोनों तरफ ही जो है मेटल एक्सपोज्ड हैं अगर आप इस वुडन ट्रे को निकालते हैं तो। सो यस, अब चलते हैं पीछे, उससे पहले आपको यहाँ पर हिडन कैमरा दिखा देता हूँ एंड एक वोकल फॉर लोकल की बैजिंग है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स, स्पॉयलर, इंटीरियर ज़रा चेकआउट कराते हैं आपको, तो मुझे रिक्वेस्ट बटन से इसको अनलॉक करनी पड़ेगी। देयर वी गो, ब्लैक आउट इसके डोर पैनल्स एंड एक ग्रैब हैंडल यहाँ पे दिया गया है। फिट एंड फिनिश भी काफ़ी सही है। यहाँ पे विंडो के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे ORVM का कंट्रोल, साथ ही आप हैजार्ड लाइट इस तरफ भी देखेंगे। ये हैजार्ड लाइट तब है जब आप गाड़ी को खोल रहे हो, काइंड ऑफ हैजार्ड लाइट है या फिर आप इसको डोर हैजार्ड लाइट कह सकते हैं। दो बॉटल होल्डर्स एंड आगे एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे, स्पीकर का सेट इधर और ABC पिलर्स कुछ इस तरीके के और एक डेड पेडल भी यहाँ पे जो है वो टॉप ट्रिम में। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं इस वाले वेरिएंट में, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल नहीं दी गई हैं। सो एनीवे, लेट्स जस्ट कम इनसाइड और अंदर ज़रा चेकआउट करते हैं। कुछ इस तरीके का इसका जो है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप ऑफर होते हुए देखेंगे एंड अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ तो कुछ इस तरीके से वेलकम करेगा। राइट साइड में आपको जो है वो एनालॉग स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड में एनालॉग टैकोमीटर और बीच में जो है वो आपको डिजिटल MID दी गई है फ्यूल गॉज के साथ में एंड टेम्परेचर गॉज बीच में। नीचे अगर आप यहाँ देखेंगे तो डिस्टेंस टू MT का भी आपको ऑप्शन मिलता है, साथ ही नीचे जो है वो ऑडोमीटर दिया गया है। आपके पास में दो कंट्रोल्स हैं, सेट एंड मोड के कंट्रोल्स हैं यहाँ पे, जिनको आप ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। अगर स्टेयरिंग की बात करूँ तो ये स्टेयरिंग मुझे काफ़ी इनोवेटिव सा लगता है, हालांकि डिज़ाइन में थोड़ा सा बड़ा है, मतलब इसके डायमेंशंस अगर देखे जाए तो रेडियस का थोड़ा ज़्यादा निकलेगा कंपैरेटिवली जितनी भी गाड़ियाँ हैं सेगमेंट में। लेफ्ट साइड में जो है वो इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल्स हैं एंड राइट साइड में जो है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड कंट्रोल्स हैं। कुछ इस तरीके का इसका हॉर्न, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एड ऑन। यहाँ अगर आप देखेंगे तो छोटी स्क्रीन रखी गई है, पूरे में जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया क्योंकि ये छोटा वेरिएंट है। यहाँ पे अगेन आप इसको अगर क्लोज करना चाहते हैं तो इस तरीके से ये अब इसका डिस्प्ले डेस्कटॉप मोड पे है फिलहाल और इसको मैं जैसे दबाऊंगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगी। एनीवे, इसको पीछे लेके चलते हैं, आप देखेंगे कि ये डिस्प्ले थोड़ी छोटी रखी गई है एंड ये मुझे लग रहा है कि नेक्सॉन एंड एल्ट्रोज वाली यूनिट जो है वो इतनी ही है, उसको सेम डिस्प्ले को जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। हालांकि ये एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल का प्ले, इन सब चीज़ों के साथ में आती है। देखो थोड़ा सा स्टक हो गया तो कभी कभार ये हैंग कर जाता है बट ठीक है, जो क्वालिटी टच की है वो वैसी ही है जो आप नेक्सॉन एल्ट्रोज वगैरह में देखते हैं। पार्क असिस्ट वगैरह के बटन इधर, पीछे जो है वो आपको गाइड लाइट्स दी गई हैं, तो यहाँ पे क्लोज करते हैं। यहाँ पे कनेक्टिविटी आप देखेंगे, ब्लूटूथ, FM, AM, जिस भी मोड पे आप अगर एक्चुअली चलाना चाहते हो, iPod, AUX, ब्लूटूथ, ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर एक्चुअली दी गई है। एनीवे, यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं और यहाँ पे जो है वो आपको ड्राइव मोड्स दिए गए हैं, डिफॉगर यूनिट, हैजार्ड लाइट,
इको मोड एंड स्पोर्ट्स मोड के बटन इधर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के बटन आपको इधर, एंड यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको यूएसबी एंड ऑक्स के स्विचेस यहाँ पे दिखाई देंगे, एंड कुछ कैविटी दी गई है, थोड़ा सा आपको झुकना पड़ेगा जब भी आप इसको एक्सेस करना चाहोगे तो, यहाँ पे हल्की सी कैविटी, आप कॉइन वगैरह यहाँ रख सकते हैं, एंड आपको पायलट शेप्ड या एयरप्लेन स्टाइल्ड आपको हैंड ब्रेक जो है वो यहाँ पे ऑफर करती है टाटा हैरियर में, और इस तरीके से आप इसको पुल कर सकते हैं। टॉप ट्रिम में आई गेस ये इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ में आती है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक्स आपके पास में ऑफर होते हैं। यहाँ पे कैन होल्डर एंड यहाँ आप जो है वो कूल्ड ग्लव बॉक्स, साथ ही 12 वोल्ट एंड 2 5-5 वोल्ट के आपको यहाँ पे यूएसबी पोर्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ का अगर बात करूँ तो एक ट्रे आपको ऑफर होती हुई नज़र आएगी, एंड ये एक्चुअली कूल्ड नहीं है, यहाँ पर आपको स्पेसिंग दी गई है, ना ही ये कोई ऐसा 90 डिग्री पे फॉल डाउन होता है, ना ही ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जैसे आपने नेक्सॉन एंड अल्ट्रोज में देखा कि सामान जो है वो आप इजीली प्लेस कर सकते हो। यहाँ पे जो है वो एक्स्ट्रा एलिमेंट आप देखेंगे कि थीम जो है वो काफ़ी अच्छी यूज़ की गई है, एंड हालाँकि ये प्रिंटेड है तो आपको कोई फील एज सच नहीं होगा, काफ़ी अच्छा लगता है, सैटिन फिनिश जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पर भी IRVM जो है वो ऑटो नहीं है, मैनुअल IRVM का इस्तेमाल किया गया है, LED लाइट्स एंड यहाँ पे जो है वो सनरूफ के लिए कंट्रोल्स दिए गए हैं, ये पैनोरामिक सनरूफ है बाय द वे, काफ़ी बड़ी सी दी गई है। इधर आप देखेंगे तो कोई भी कार्ड होल्डर या वैनिटी मिरर नहीं है, इधर आई गेस इधर भी जो है वो कोई कार्ड होल्डर एंड वैनिटी मिरर नहीं दिया गया, जो कि थोड़ा सैड है। स्पेस दी गई है ताकि आप सामान वगैरह जो अपना यहाँ पर रख सकें। फैब्रिक अगेन नाइस, अच्छा टच दिया गया है, थ्रेड का यूज़ किया गया है यहाँ पे, एंड यहाँ पर जो है वो हेडरेस्ट आप ऊपर ही देखेंगे, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आप उसके रियर एंड फ्रंट दोनों प्रोफाइल में ही ऑफर होते हुए देखेंगे। कुछ इस तरीके की सीटिंग डिज़ाइन, अच्छी लगती है गाड़ी। और पीछे चलते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से आप इंग्रेस करेंगे, ईजी इंग्रेस है, काफ़ी बड़ा सा जो है वो आपको टनल देखने को नज़र आएगा, यहाँ पे एक कैविटी, एंड इसमें आप 5 वोल्ट के दो पीछे भी देखेंगे, काफ़ी सारे हो गए, मतलब टोटल इन टोटल बात करें तो 5 USB स्लॉट्स हैं यहाँ पे, लेकिन ये वाले स्लॉट जो हैं वो काफ़ी नीचे हैं, दिखाई भी नहीं देते हैं, तो आपको थोड़ा झुक कर ही जो है वो इनको एक्सेस करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है वो आप देखेंगे दोनों तरफ ही जो है वो दिए गए हैं ताकि आप सामान वगैरह जो है वो यहाँ पर रख सकें। अच्छा खासा शोल्डर रूम गाड़ी जो है वो यहाँ पर ऑफर करती है आपको, एंड फैब्रिक का यूज़ अगैन, अच्छा खासा अंडर थाई सपोर्ट, अच्छा खासा नी रूम, कोई भी समस्या एक्चुअली स्पेस को लेके इस गाड़ी में नहीं है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट अगैन, एंड यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट मिलता है कप होल्डर्स के साथ में। गाइस फिलहाल इसको करते हैं बंद, एंड हेड रूम भी मेरे को काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है गाइस। यहाँ पर दोनों तरफ ही जो है वो लाइट्स दी गई हैं, हालाँकि ये थोड़ा सा जो है वो लूज़ रहती है लाइट, और ये एल्ट्रोज में भी शेयर होती हैं। यहाँ पे कोट हुक दोनों ही तरफ जो है वो लाइट्स दी गई हैं, ये अच्छी चीज़ है। एंड अगेन लंबार सपोर्ट फ्रंट में, तो ये 8-way एडजस्टेबल है, और थोड़ा सा अगर आप इस एंगल से देखेंगे तो आपको लगेगा कि फिट एंड फिनिश जो है वो अगेन एक हल्का सा प्रॉब्लमेटिक यहाँ पर इस गाड़ी के साथ में है। इंटीरियर्स कुछ इस तरीके से, तो गाइस ये जो गाड़ी है वो एक डीजल इंजन के साथ में ही आती है, कोई भी पेट्रोल ऐसे जो ऑफर नहीं किया जा रहा है इसके साथ में, एंड पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ में ही मोस्ट लाइकली अगले साल तक आएगी, क्योंकि टाटा ऑलरेडी एक पेट्रोल इंजन पे काम कर रहा है जो इसके अंदर एंड सफारी के अंदर आने वाला है। ये एक ह्युंडई सोर्स ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में भी आती है, तो इन केस यू वांट अ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन तो आप वो भी खरीद सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है, काफ़ी अच्छा जो है वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। 2.0 लीटर का ये मल्टीजेट इंजन है जो फीएट से सोर्स्ड है, एंड तकरीबन 170 PSC पावर प्रोड्यूस करता है, एंड 350 न्यूटन मीटर के आसपास टॉर्क, 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन यूनिट भी आपको यहाँ पर ऑफर होती हुई नज़र आती है। मेजर राइवलरी यहाँ पर हेक्टर, सेल्टोस, क्रेटा ये ही हो जाती हैं, थोड़ा सा अगर आप और ऊपर चलेंगे तो कंपस वगैरह से भी ये कम्पीट कर लेती है, क्योंकि इसका ऑन रोड प्राइस जो है वो जाते जाते 20 पार कर देता है बहुत सारे वेरियंट्स में। सो ये तो था एक क्विक ओवरव्यू, एंड वेरिएंट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए, क्या क्या फीचर्स ऑफर करती है ये उसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। सो गाइज ये तो था एक क्विक वीडियो, एंड जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, नीचे मुझे बताइए कि कैमो हैरियर आपको कैसी लगी, और
मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको वेरिएंट एक्सप्लेन की कौन सी गाड़ी पे चाहिए। वी विल फिगर आउट एंड वी विल मैनेज थिंग्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं गाइस एक और नई वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ गाइस।